चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है डेट इज एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको ध्यान से करेंगे और कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहली बात ये आप लोगों के दिमाग में आएगी कि सर एम्पियर सर्किटल लॉ आप क्यों पढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसका काम क्या होगा, है ना। तो सबसे पहली बात, और कब यूज करेंगे सर, क्या कंडीशन होगा जब एम्पियर सर्किटल लॉ हम यूज करेंगे या किस कंडीशन में हम कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आएंगी। तो आने से पहले टॉपिक का नाम स्क्रीन पर हम लोग लिख लेते हैं, डेट इज एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, वीडियो की स्टार्टिंग में बता दिया था ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा और मैं ट्राई करूंगा एकदम बेसिक तरीके से आप लोगों को बताने का ट्राई करूंगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले एम्पियर सर्किटल लॉ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एम्पियर सर्किटल लॉ से हम लोग फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। क्या फाइंड आउट करेंगे, स्टेप वन में हम लोग लिख लेते हैं फाइंडिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो क्लियर हो गया कि सर किस लिए यूज करेंगे। ठीक है, किस कंडीशन में यूज करेंगे सर, क्या कंडीशन होगा, क्या सर्कमस्टेंसेस होगा, तभी हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो जो कंडीशन है वो क्लोज लूप होना चाहिए, क्लोज लूप। अब थोड़ा थोड़ा आप लोगों को याद आ रहा होगा कि चैप्टर वन में सर ने पढ़ाया था एक टॉपिक जिसमें क्लोज लूप होता था तभी वो चीज अप्लाई कर पाते थे, तो उसका नाम है गॉस लॉ। मैं यहां पे लिख देता हूं, गॉस लॉ हम लोग अप्लाई तभी कर सकते थे जब वहां पे क्लोज लूप हुआ करता था। वैसे ही सेम कंडीशन, ये तो आपका हो गया वो चार्जेस वाले चैप्टर के लिए। जब मैग्नेटिक फील्ड की बात होगी तो एम्पियर सर्किटल लॉ हम तभी यूज करेंगे जब वहां पे क्लोज लूप होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक, आगे बढ़े। चलिए इसके बाद कुणाल क्लियर है, लावण्य क्लियर है? यस सर। चलिए अब डेफिनेशन देखते हैं। अंजलि आपको क्लियर है? हाँ जी सर। अब हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि एम्पियर सर्किटल लॉ कहता क्या है। ठीक है, तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, लाइन इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ म्यू नोट बोल देंगे एंड एलजेब्रिक सम ऑफ करेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं ये बता देना चाहता हूं कि यहाँ जो इंटीग्रेशन जो टर्म यूज किया गया है उसका सिंबल ऐसा होता है। ठीक है, अगर इस पे मैंने एक गोल सा कुछ लगा दिया तो ये किसको डिनोट करता है, इसको डिनोट करता है, ये डिनोट करेगा कि आप जो इंटीग्रेशन मतलब जो भी आप चीज कर रहे हैं वो क्लोज लूप के अंदर कर रहे हैं। आया समझ में? चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि म्यू नॉट एंड एल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट, तो इसको हम लोग मैथमेटिकल वे में क्या लिखेंगे, लाइन इंटीग्रेशन। लाइन इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया, ये लाइन इंटीग्रेशन दे दिया। मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि अगर मैं लिखूं बी इंटू डी एल, ठीक है, इक्वल्स टू क्या बोल रहा है, इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ म्यू नॉट एंड एल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट। ये हो गया आपका एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, अब यहाँ पे बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन उठता है कि सर ये जो एल्जेब्रिक सम ऑफ जो करंट है या फिर है क्या सर, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताइए।
तो एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट को हम लोग लेंगे कैसे और होता क्या है वो चलिए देखते हैं। जैसे मान लो बहुत सारा यहाँ पे, जैसे मान लो चार पांच वायर ले लिया और उस पर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लो ऐसा ले लिया, ऐसे ले लिया, ऐसे ले लिया, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने दे दिया I1 फ्लो कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में I2 ले लिया, यहाँ पे I3 ले लिया है ना, यहाँ पे I4 ले लिया, यहाँ पे I5 ले लिया, ठीक है। और एम्पीयर सर्किट लो तभी लगा सकते हैं जब क्लोज लूप होगा, तो एक क्लोज लूप बना लेते हैं हम, ठीक है। अब एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट का मतलब क्या हो गया कि जो क्लोज लूप के अंदर करंट आ रहा है हम उसी की बात करेंगे, बाहर की जो करंट है उस क्लोज लूप के बाहर में कितना भी करंट दे दे हमको कंसिडर ही नहीं करना। तो नहीं करना है तो I5 क्या हो गया, खत्म। I5 को तो हम लोग लिखना ही नहीं है, कलर चेंज कर लेना तो अच्छा समझ में आएगा। I5 को कैंसिल आउट कर दो। अब हमको मतलब है I1, I2, I3, I4 से। अगर तुम लोग I1 को देखो, ये ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, ये नीचे की डायरेक्शन में जा रहा है, ये ऊपर, ये ऊपर। अगर तुम ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर करते हो तो नीचे वाला डायरेक्शन नेगेटिव कंसिडर हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे कैसे आप लोगों को बताता हूँ उसको लिखेंगे कैसे, ठीक है। जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आप लोग को लिख के बता देता हूँ, साइड में यहाँ लिख लेता हूँ। हाँ, तो ये हो गया I1, हमने पॉजिटिव कंसिडर करा है। फिर माइनस I2, क्योंकि ये डाउनवर्ड्स है। प्लस I3, ऊपर की तरफ जा रहा है। I4 प्लस I4, यही एल्जेब्रिक सम ऑफ करेंट है। क्लियर है, ठीक है। अब ये हम लोगों ने जान जी लिया, डेफिनेशन देख लिए, क्या कंडीशन में अप्लाई करता है वो भी देख लिए, एम्पीयर सर्किट लॉ का। अब इसका देखेंगे एप्लीकेशन कि कहाँ पे कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं एम्पीयर सर्किट लॉ, ठीक है। तो चलिए एक इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर ले लेता हूँ मैं, ठीक है। उस पर देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं। तो इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर को हम लोग ऐसे डॉट 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 और फिर एक वायर ऐसे करके फिर नीचे डॉट 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 दे दिया। ऊपर और नीचे डॉट डॉट है, समझ जाना इनफिनिट लेंथ ऑफ वायर है। और हमने कंसिडर कर लिया है किसी पॉइंट पी पे, यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। और इस वायर पे करंट आई फ्लो कर रहा है, चलिए ये भी पता चल गया। अब क्या है कि यहाँ पे एम्पियर सर्किट लॉ लगाना है, हम तभी लगा सकते हैं जब ये क्लोज लूप होगा। तो चलिए क्लोज लूप बना लेते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि क्लोज लूप हमने यहाँ पे बनाया, तो जितना ये मान लो ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक जो डिस्टेंस हमने मान लो आर लिया है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या डिस्टेंस आर होगा, यहाँ से यहाँ तक क्या डिस्टेंस आर होगा, यहाँ से यार आर डिस्टेंस होगा, है ना। क्योंकि रिंग है ये, रिंग मैं अच्छे से बना नहीं पाया, एक्चुअली ये रिंग है, ठीक है। आप ऐसा मत समझना कि यहाँ पे सबने गोल करा है और यहाँ पे पॉइंट बन गया है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये कंप्लीट रिंग है, मैं बार बार बोल रहा हूँ ये रिंग है, ठीक है, कंप्लीट रिंग है। तो रिंग का मतलब क्या हो गया, ये जो आर डिस्टेंस है वो आर डिस्टेंस हमेशा हर एक जगह पे तुम देखोगे तो चेक करना, हमेशा आर सेम होगा। अगर आर सेम हो गया तो जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे जो स्ट्रेंथ होगा वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भी होगा, ठीक है। कुणाल समझ में आ रहा है। यस सर उसके बाद अब ये जो हमने रिंग बनाया है, ये रिंग मतलब लूप लिया है, तो लूप लिया है क्या अप्लाई करेंगे, एम्पियर सर्किट लॉ। तो इसका नाम हम लोग दे सकते हैं एम्पियर लूप, क्या बोलोगे, एम्पियर लूप बोल देना। अगर कोई पूछेगा ये कौन सा लूप है तो बोल देना एम्पियर लूप है, ठीक है। तो एम्पियर सर्किट लॉ क्या बोलता था, चलिए लिखते हैं यहाँ पे एम्पियर लॉ क्या बोलता है। ये क्लोज लाइन इंटीग्रेशन, क्लोज मतलब ये गोल अभी बताया था, क्लोज के लिए डिनोट करते हैं। बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट समीशन ऑफ आई, ये तो एम्पियर सर्किट लॉ अभी हमने देखा है कि भैया यही होता है, ठीक है। अब ये जो एल्जेब्रिक सम ऑफ आई है, ये है क्या, ये सम ऑफ करंट है। जहां पे डिफरेंट टाइप ऑफ करंट दिया रहेगा क्लोज लूप के अंदर उसको हम ऐड कर देंगे। तो भैया इस क्लोज लूप के अंदर कितना करंट है, एक ही तो करंट फ्लो कर रहा है, तो समीशन ऑफ आई किसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा, बात खत्म। तो आई के बराबर लिख लो बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई, ठीक है। चलिए
उसके बाद डॉट प्रोडक्ट हटता है, आप लोगों को बताया था डॉट प्रोडक्ट हटता है तो कॉस थीटा लगता है, क्रॉस हटता है तो साइन थीटा लगता है, मतलब जहां पे डॉट होगा वहां पे कॉस थीटा लगेगा, जहां पे क्रॉस होगा वहां पे साइन थीटा लगेगा। तो भैया ये डॉट को अगर मैं हटाता हूं तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें, बी डी एल कॉस थीटा इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। अब बोलोगे सर यहाँ पे थीटा क्या है, व्हाट इज द थीटा, बड़ा इंपॉर्टेंट है थीटा। अब देखो जो रिंग हमने कंसिडर करा है, ध्यान से ये पॉइंट दिख रहा है फिगर पे, देखना कुणाल ये पॉइंट दिख रहा है फिगर पे, हेलो हाँ सर ये दिख रहा है जो मैं स्क्रीन पे रोटेट कर रहा हूँ, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। तो देखो रिंग हमने इस डायरेक्शन में कंसिडर करा है, अब तुम लोग सभी जन अपना राइट हैंड को उठाओ, राइट हैंड को उठाओ और थंब को करंट की डायरेक्शन को किसके रखो, करंट की डायरेक्शन में, मतलब थंब को ऊपर की तरफ रखो और फिर उसको रोटेट करो, रोटेट करो। तो देखो ध्यान से देखो रिंग की डायरेक्शन में, रिंग की डायरेक्शन में तुम्हारा वो बाकी फिंगर घूम रहा है, यस सर। राइट हैंड को आपको करंट की डायरेक्शन में रखना है, मतलब थंब को रखना है, थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो और बाकी फिंगर को रोटेट करो। तो देखो इसी डायरेक्शन में घूम रहा है वो, यस सर। ठीक है, अब इसी डायरेक्शन में घूम रहा है तो हमने क्या देखा, यहाँ पे जो रिंग हमने जिस डायरेक्शन पे लिया है उसी डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में, रिंग भी उसी डायरेक्शन में। तो डीएल का मतलब क्या होता है, कोई भी स्मॉल एरिया है ना, कोई भी स्मॉल, जैसे मान लो इस रिंग में स्मॉल ले लिया, स्मॉल चीज कंसिडर कर लिया तो ये डीएल हो गया। तो अब मेरा क्वेश्चन ये उठता है, ये रिंग भी सेम डायरेक्शन में, हमारा मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में, तो कॉस थीटा मतलब एंगल क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड और डीएल का बीच के एंगल हो गया ना, जैसे मान लो ए बी कॉस थीटा में लिखता हूं, तो अगर मैं थीटा की बात करूंगा एंगल तो क्या बोलोगे सर, ए बी के बीच का एंगल है। वैसे ही मैं अगर बोलूंगा यहाँ पे थीटा किसका है तो क्या बोलोगे सर, बी और डीएल के बीच का एंगल है। तो भैया मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, डीएल भी इसी डायरेक्शन में, तो एंगल क्या हो जाएगा, जीरो। आया समझ में, जीरो। तो थीटा क्या हो जाएगा, जीरो, थीटा जीरो डालेंगे, जीरो। तो थीटा जीरो डालिए, तो बी डीएल कॉस जीरो इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। तो कॉस जीरो क्या होता है, वन होता है, बी डीएल इक्वल्स टू क्या हो गया, म्यू नॉट आई। चलिए अब इंटीग्रेशन यूज करते हैं, बी कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, यहाँ पे डीएल हो गया म्यू नॉट आई। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर कोई कॉन्स्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन करते हैं, यहाँ पे बॉक्स बना के कलर भी चेंज कर लेता हूँ आप लोग के लिए, अब मुझे ये बताओ कि वन डी एक्स इसका इंटीग्रेशन करूंगा क्या आएगा, एक्स आएगा ना, यस सर। यहाँ पे एल आएगा, वेरी गुड, यहाँ पे कैपिटल एल आएगा, वेरी गुड। ठीक है, अब ये जो एल है वो क्या है भैया, सर्कमफेरेंस ऑफ दिस रिंग। तो सर्कमफेरेंस क्या होता है, टू पाई आर, आया समझ में, फिर क्या हो गया, म्यू नॉट आई। फाइंड आउट क्या करना था भैया, मैग्नेटिक फील्ड इज इनफिनाइट लेंथ ऑफ वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड किसको बोलते हैं, बी को, तो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन टू पाई आर, कोई दिक्कत? नो सर। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट लेंथ ऑफ वायर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने दो चीज सीखा है, सबसे पहले एम्पियर सर्किटल लॉ देखा है, किस कंडीशन में लगेगा, क्या डेफिनेशन है और किस लिए यूज करते हैं वो तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देख लिया, फिर एम्पियर सर्किटल लॉ का एक एप्लीकेशन देख लिया। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस पे हम बताएंगे कि इसके और क्या क्या, एक्चुअली क्या देखिए एनसीईआरटी बुक में इसका जो स्पेशल केस है वो नहीं दे रखा है। ठीक है, बट अदर अब क्या है कि जितने भी आप एग्जाम ले लो, चाहे सीबीएसई ले लो या स्टेट बोर्ड ले लो, और एनआईओएस की तो मैं शायद बोल भी सकता हूँ या नहीं भी बोल सकता हूँ, ठीक है, कि वो स्पेशल केस वाला पूछे या ना पूछे, बट एम्पियर सर्किटल लॉ तो पूछेगा ही पूछेगा। स्पेशल केस आप लोग पढ़ लेना, अगर आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो कुछ हानि करेगा नहीं आप लोगों को। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके स्पेशल केस को लेकर के आएंगे और फिर आगे का टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है,
देन बाय बाय, टेक केयर, और अच्छे से रिवाइज करो सारा कुछ, जो भी दिक्कत कोई भी डाउट्स आता है आप व्हाट्सएप करो, मैं फिर उसका लाइव सेशन लेकर के क्लियर कर दूंगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।